नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज कर लें, ये मेरी सलाह है आपको, और आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, रखिए अपने आप पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन, और ये चैप्टर होगा ट्रायंगल। आज हम लोग जो भी दो चार क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर से है और सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन इस प्रकार से है कि एक सर्किल है, यहां पर हम लोग सर्किल बना लेते हैं एक, और इस सर्किल में एक कोड है, इस कोड का नाम हम लोग ए बी दे देते हैं। ये कोड सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, यहां पर एक सेंटर मान लेते हैं और ये इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। ये राइट एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है। ये दोनों का रेडियस, ये जो रेडियस है सर्किल का, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है ए बी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, कई तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये डायग्राम को अगर यहां पर उतारा जाए इस तरह से, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि क्या करना है। राइट एंगल ऊपर है और ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है। ये राइट एंगल है, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और इसका रूट अंदर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर 49 प्लस 49 स्क्वायर 98 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, मैं बार बार कहता हूं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं बगैर समय को बर्बाद किए हुए। इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स सिमिलर है दिया हुआ है हमको। हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं एबीसी, और एक दूसरा ट्रायंगल इस प्रकार से है जो कि इसके सिमिलर है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का साइड ए बी इक्वल टू 3 cm, बी सी 2 cm और सी ए 2.5 cm, ये गिवन है। और डी ई एफ ए बी सी के सिमिलर है, इसके साथ ई एफ भी दिया हुआ है 6 cm। तो हमको फाइंड करना है पेरीमीटर और ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं, 3 + 2 + 2.5 7.5 cm, ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके पेरीमीटर का रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में होता है। तो हम लोग कर सकते हैं P1 / P2 इज इक्वल टू, ये वाला करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो BC और YEF लिखेंगे। दैट इंप्लाइज P1 का वैल्यू हमको 7.5 आ चुका है, π P2, ये P2 है, इसको फाइंड करना है। हम लोग इसको P ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू BC 2 और π 6, ये 6 है, 1 और 3, P × 1 P इज इक्वल टू 5 3 15 1 7 3 21 और 1 22,
22.5 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का पेरिमीटर होगा। इसमें ऑप्शन हम लोग को ऑप्शन नंबर ए ही है। पेरिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो होगा उसके साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह का कई क्वेश्चंस है, मैं आपको जरा बतला देता हूं। एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा, उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो में होगा, उसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो में होगा। अब अगर मैंने आपको एरिया और मीडियन वाला क्वेश्चन बतलाया और अगर ऑल्टीट्यूड वाला आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने ये क्वेश्चन बताया ही नहीं। इसलिए याद रखिए इसको कि अगर एरिया का रेशियो और ऑल्टीट्यूड का रेशियो फाइंड करना हो, एरिया का रेशियो और मीडियन का रेशियो, एरिया का रेशियो और साइड्स का रेशियो सारा इक्वल होता है मीडियन का स्क्वायर का रेशियो, ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो और साइड के स्क्वायर का रेशियो, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो में होता है। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स का ही है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मनीष का हाइट 160 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से ये दूर जा रहा है, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ मनीष इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर लैंप पोस्ट का हाइट 3.2 मीटर है तो 5 सेकेंड के बाद मनीष के शैडो का लेंथ क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से। ये एक लैंप पोस्ट है, इसका नाम दे देते हैं ईपी, और इस लैंप पोस्ट का हाइट भी दिया हुआ है 3.2 मीटर। मनीष यहां पर था और यहां से ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो मनीष इस तरफ जाएगा, ठीक, या इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा। 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर फाइव सेकेंड्स 5 सेकेंड के बाद मनीष कहां पर आएगा। तो मान लेते हैं मनीष यहां पर आ गया, ये मनीष है। मनीष का हाइट 160 दिया है, हम इसको 1.6 मीटर लिख सकते हैं, 160 सेंटीमीटर को 1.6 मीटर लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से जब मनीष यहां तक आया, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, तो इसके शैडो का लेंथ क्या होगा, यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर मनीष का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो कितना दूर जाता है पहले ये निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। मनीष 5 सेकेंड में वो 10 मीटर लिया, ये यहाँ 10 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। अब हमको फाइंड करना है डी एफ, इसको हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का साइज करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होगा। हम लिखेंगे ए बी, देयरफॉर ए बी बाय ई डी इज इक्वल टू, पैरेलल ट्रायंगल में बी एफ लेना होगा हमको, बी एफ और इस ट्रायंगल का ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी एफ। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3.2 बाय ई डी इज इक्वल टू 1.6 इज इक्वल टू बी एफ, बी एफ 10 प्लस एक्स बाय डी एफ इज एक्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ये x इस साइड आके x बचता है, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि मनीष के शैडो का लेंथ 10 मीटर होगा, क्योंकि डी एफ यानी कि x ही उसका शैडो था।
ऑप्शन हमारा डी होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में ईए का लेंथ फाइंड करना है। ये है, ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि राइट एंगल सी पर है। दूसरा ई ए, इसका नाम हम लोग डी देंगे, ई ए डी भी राइट एंगल है, यानी कि डी से ए बी पर एक ऑल्टीट्यूड खींचा गया है। तो हमको फाइंड करना है ई ए। देखिए सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल में ये बी सी दिया है और ए सी भी हम फाइंड कर सकते हैं, 3+2 5। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ए सी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर ए सी 3+2 5 स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 + 144 ये होता है 169, that is 13 cm। हम लोगों को ए बी का लेंथ मिल जाता है। हमको फाइंड करना है ई ए। हम लोग मान लेते हैं इसको एक्स सेंटीमीटर। अगर इसको एक्स मान लीजिए, ए बी 13 मिल गया हमको, ये पूरा 13 cm है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए सी बी और ए ई डी सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर है इसको देखिए, ए बी सी का ये राइट एंगल और ए ई डी का ये राइट एंगल, एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। ए बी का ये एंगल, एंगल ए, और ए ई डी का एंगल ए कॉमन है, बराबर हो गया। तो थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल का ये थर्ड एंगल और इस ट्रायंगल का ये थर्ड एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स पर ध्यान रखना, बड़े वाले ट्रायंगल में सी एंगल के सामने का ए बी बाय छोटे वाले ट्रायंगल में राइट एंगल, ये है यहां राइट एंगल था तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका, इसके सामने का ए बी और इसके सामने का ए डी होगा। तो हम लोग ए डी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में बी एंगल के सामने का ए सी और एंगल बी छोटे वाले ट्रायंगल में डी के बराबर है, तो डी के सामने का ई ए। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 13 बाय ए डी, ए डी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू 5 बाय ई ए। निकालना है ये वैल्यू हमको, दैट इज 13 ई ए इज इक्वल टू 5 × 3 = 15, therefore EA is equal to 50/13 cm। ये इसका आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, 1/3, 5/13, 15/13, ये ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग 4 क्वेश्चन ही देखेंगे, कल मेरा एक और वीडियो आपको आएगा, लेट से आएगा लेकिन आएगा, ट्रायंगल के और भी क्वेश्चंस को लेकर। सारे क्वेश्चंस को कर जाओ, जरूर मदद करेगा। अधिकता साहित्य, जय हिंद।